वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नया वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपका बजट 15,000 के आसपास अगर चाहते हो एक अच्छे वाला स्मार्टफोन्स लेने के लिए, वो भी 5G का स्मार्टफोन्स, तो 15,000 के अंडर में आपको कौन सी स्मार्टफोन जो कि 5G सपोर्ट के साथ देखने को मिलने वाली है, अगर इंटरेस्टेड हो तो वीडियो जरूर देख सकते हो। तो टॉप फोर बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 15,000। तो आपको क्या फेब्रुअरी के महीने में ये जो स्मार्टफोन है 15,000 के अंडर में है और आपको 5G सपोर्ट के साथ देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे कुछ स्मार्टफोन्स में लेकर चार ही स्मार्टफोन्स लेकर ही, और एक बात है मैं ऑनलाइन स्टोर की बात कर रही हूँ। तो ऑनलाइन स्टोर में आपको ये 15,000 के अंडर के साथ ही साथ 5G में देखने को मिलने वाली है। तो चार ही स्मार्टफोन्स लेकर है, उसके फीचर्स के साथ ही साथ हम उसके फुल डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। अगर चाहते हो खरीदने के लिए तो आप जरूर मतलब चेक कीजिएगा। अगर मतलब क्या है ना कि ये चारों के चारों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर फेब्रुअरी के महीने में एक अच्छे वाला 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो इस चारों के साथ जरूर आप जा सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमारे इस लिस्ट का हमारे जो पहले नंबर पे जो निकल के आती है वो है पोको की तरफ से, पोको M3 प्रो 5G स्मार्टफोन से। तो बात कर लेते हैं फीचर्स में। तो पहले बात कर लेते हैं आपको स्क्रीन साइज में क्या देखने को मिलने वाले है। डिस्प्ले में आपको 6.5 इंच में आपको फुल HD डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो काफी अच्छा डिस्प्ले है। और बात कर लेते हैं आपको प्रोसेसर में MediaTek Dimensity का 700 प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो 4GB रैम के साथ आपको 64GB इंटरनल स्टोरेज है। और बात कर लेते हैं आपको कैमरा सेटअप में, तो ऑब्वियसली कैमरा सेटअप भी काफी अच्छा है। आपको 48MP ट्रिपल सेटअप है, 48MP में मेन कैमरा है, 2MP डिप के साथ मैक्रो भी देखने को मिलने वाली है। तो बात कर लेते हैं आपको सेल्फी के लिए, फ्रंट कैमरे के लिए आपको 8MP सेल्फी देखने को मिलने वाली है। और बात कर लेते हैं आपको बैटरी लाइफ में आपको 5000mAh बैटरी देखने को मिलने वाली है। तो ये आपको 15,000 के अंडर में देखने को मिलने वाली है और साथ साथ आपको 5G सपोर्ट भी है। तो इस लिस्ट का हमारे जो दूसरे नंबर पे जो निकल के आती है वो है Redmi की तरफ से। तो Redmi की तरफ से जो भी स्मार्टफोन आते हैं वो भी काफी कमाल के होते हैं, Redmi Note 10T 5G स्मार्टफोन से। तो फीचर्स में बात कर लेते हैं, पहले डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले में आपको 6.5 इंच में आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। तो साथ ही साथ आपको 90Hz रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये डिस्प्ले भी आपको AMOLED डिस्प्ले भी देखने को मिल जाते हैं। तो बात कर लेते हैं आपको कहना कि आपको प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर में MediaTek Dimensity का 700 प्रोसेसर भी देखने को मिल जाते हैं। तो कैमरा सेटअप में आपको 48MP आपको ट्रिपल सेटअप है और 8MP सेल्फी में देखने को मिल जाते हैं। तो बैटरी लाइफ आपको 5000mAh बैटरी के साथ ही साथ 18W का चार्जर देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है। और Redmi की तरफ से जो भी स्मार्टफोन आते हैं बैक टू बैक आते हैं और स्मार्टफोन भी काफी कमाल के रहते हैं। इस लिस्ट का हमारे जो तीसरे नंबर पे जो निकल के आती है वो है Realme की तरफ से। तो Realme Nexus 30 जो 5G स्मार्टफोन है, तो बात करते हैं फीचर्स में। तो फीचर्स में आपको 6.5 इंच में आपको फुल HD LCD डिस्प्ले के साथ ही साथ 90Hz रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाते हैं। तो 4GB के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज है। तो MediaTek Dimensity का 700 प्रोसेसर है। तो ये जो तीनों की तीनों स्मार्टफोन्स है आपको मतलब एक तरह सेम लग रहे होंगे। तो कैमरा सेटअप भी 48MP ट्रिपल सेटअप है, लेकिन सेल्फी में आपको ज्यादा देखने को मिलने वाली है। तो 16MP आपको सेल्फी देखने को मिलने वाली है। तो 5000mAh बैटरी के साथ ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस लिस्ट का हमारे जो लास्ट नंबर पे जो निकल करती है वो है मोटोरोला की तरफ से। तो मोटोरोला की तरफ से जो भी स्मार्टफोन आते हैं उनका कैमरा सेटअप काफी कमाल के होते हैं और उनका स्मार्टफोन से बैक टू बैक हर महीने में देखने को मिल जाते हैं। तो मोटो G51 5G स्मार्टफोन से। तो बात कर लेते हैं फीचर्स में। तो पहले बात कर लेते हैं आपको स्क्रीन साइज का है। तो स्क्रीन साइज में मतलब डिस्प्ले में आपको 6.8 इंच में फुल HD LCD डिस्प्ले के साथ ही साथ आपको 120Hz हाई रिफ्रेश रेट में डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 4GB रैम के साथ आपको 64GB स्टोरेज है, सेम स्टोरेज है। तो लेकिन आपको प्रोसेसर में डिफरेंट देखने को मिलने वाली है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 480 प्रो प्रोसेसर देखने को मिलने वाले, क्योंकि प्रोसेसर काफी कमाल के रहने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप में, तो उनका कैमरा सेटअप भी काफी जबरदस्त रहते हैं। आपको 50MP का ट्रिपल सेटअप है, 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 5000mAh बैटरी के साथ ये स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये चारों के चारों स्मार्टफोन्स आपको फीचर्स में काफी अच्छा है। 15,000 के अंडर में ये जो फीचर्स
कर रहे काफ़ी कमाल के रहते हैं और आपको 5G सपोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं। अगर फरवरी के महीने में मतलब एक 5G वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हो वो भी 15,000 के अंडर में, तो ये स्मार्टफोन आप जरूर ले सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 5G स्मार्टफोन मतलब 5G स्मार्टफोन 15,000 के अंडर में नहीं मिलते, लेकिन ये कुछ स्मार्टफोन्स है तो आपको 15,000 के अंडर के साथ ही साथ आपको 5G सपोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेकअप कीजिएगा, क्योंकि ये आपको डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा दे रहे, फीचर्स भी काफ़ी कमाल के हैं। और एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे, आपको लॉन्ग लाइफ बैटरी लाइफ देखने को मिल जाते हैं, 5000 mAh बैटरी के साथ देखने को मिल जाते हैं, चारों के चारों 5000 mAh बैटरी के साथ देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन्स है। अगर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो तो लिंक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर चाहते हैं फ्यूचर में इसी तरह वीडियो देखने के लिए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मैं हर रोज इस टेक रिलेटेड अपडेट देती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कौन सी स्मार्टफोन अच्छी लगी। आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू कंटेंट के साथ, तो तब तक चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।